दोस्तों, एक और आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, और ये जो वीडियो है वो स्पेशली V8 प्लस साउंड कार्ड के बारे में, जैसे मेरे पास अभी ये साउंड कार्ड आप देख रहे हो, इसके बारे में है। ये एक्चुअली कोई भी जो डिवाइस होते हैं उसके काफ़ी डिफरेंट यूज़ होते हैं, और काफ़ी बार लोग क्या कहते हैं कि ये लाइव वीडियो के लिए है या ये इसके लिए है। मैं आपको कहूँगा कि इट्स अ मल्टीपर्पज़ यूज़ इसका है, और इट्स अ इकोनॉमिक आइटम। जैसे आपको ये 1200 से 1500 में सिर्फ साउंड कार्ड मिल जाएगा कोई भी अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर। और इसके बारे में आज जो मैं बताऊंगा उसमें स्पेशली कैरियो के आप कैसे प्ले कर सकते हो, और कैरियो के इस पे क्यों ये लेना क्यों चाहिए। तो इसके दो रीज़न है। पहला पहला रीज़न ये है कि ये चार्जेबल है, यानी आप बिना कोई भी पावर सप्लाई इसको कहीं पे भी एज ए ट्रैवलिंग यूज़ कर सकते हो, या घर में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, या कभी कोई आजू बाजू डिस्टर्ब हो रहा तो यू कैन हैव अ। इसके अंदर है ना हेडफोन का भी एक स्लॉट है, तो इसमें आप पिन डाल के अकेले भी गा सकते हो, और छोटे मोटे और फंक्शंस भी हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में इसका बताता हूँ कि किस तरह इसका यूज़ होता है। जैसे आप देख रहे हो कि ये आपको मैंने पूरा बॉक्स के साथ ही दिखा रहा हूँ, कैजो कंपनी का है V8 प्लस साउंड कार्ड। मैं इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। इसके साथ इसके वारंटी कार्ड जैसे ये हो गया, फिर इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल है इसमें, और इसके साथ एक आपको इसका चार्जिंग का वायर आ जाता है जैसे ये। फिर इसके साथ दो अलग अलग वायर्स होते हैं, जिसमें एक साइड ये पोर्ट हो गया जैसे, और एक साइड ये ऑक्स का हो गया। ये जैसे मोबाइल में जाएगा, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझाऊंगा। इस तरह से दो है, और ये एक जैसे अपना जो डिवाइस है वो ये डिवाइस है, ये डिवाइस आपके सामने है। अभी मैं आपको इसको प्ले करके बताता हूँ कि कैसे इसका एज अ कैरियो के यूज़ करना है। इसके बाद मैं आपको और बताऊँगा कि इसका क्या क्या यूज़ किस तरह से होता है। जैसे अभी मैं इसको पावर ऑन कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे ये रेड लाइट आ गई है। अभी सबसे पहले इसको क्या करना है, जैसे मेरे पास एक ये मोबाइल है, इसमें ब्लूटूथ ऑन करके मुझे V8 ऑलरेडी मैंने सर्च किया था तो ये मेरे में आ गया है V8। मैंने इसको पेयर कर लिया, देखो ये मेरा पेयर हो चुका है, आप देख रहे हो राइट। इसके बाद इसके अंदर काफ़ी अलग अलग जैसे पिन के स्लॉट्स हैं, लेकिन आज का जो अपना पर्पस है वो सिर्फ कैरी होके है। तो स्पीकर के अंदर जैसे मैंने ये ऑक्स का वायर एक साइड यूज़ कर दिया, और मैंने जो मेरा ये जो स्पीकर है बोट कंपनी का, इसमें मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है। देखिए आपको आवाज़ भी इसकी आ रही है। अभी मैं आपको इसका क्या क्या यूज़ है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जैसे मेरे पास ये माइक है, वायर्ड माइक, इसको मैं यहाँ पे देखिए डायनामिक माइक में इसको इस तरह से मैं डाल देता हूँ राइट। देखिए इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है माइक का वॉल्यूम हो गया है, और जैसे ये जो है वो म्यूज़िक का वॉल्यूम, जैसे अगर मैं ये जो गाना बजाऊंगा तो उसको बंद करना है, उसकी आवाज़ तो इससे बंद हो जाएगी। और ये मॉनिटर हो गया, मॉनिटर का मतलब ये है कि दोनों जो आवाज़ माइक और दोनों की आवाज़ बंद या चालू करनी है, टोटल जो वॉल्यूम है वो इससे कंट्रोल होता है। और ये ट्रिबल हो गया, हाई फ्रिक्वेंसी, जैसे आपके कोई गाने में या आपके आवाज़ में जैसे हेलो, देखिए ये जो स्वीटनेस जो है कम करनी हो तो हाई फ्रिक्वेंसी कम करनी पड़ेगी, और आपकी आवाज़ में बेस बढ़ाना है, जैसे अभी देखिए हेलो एकदम बेस बढ़ गया, तो वो आपकी आवाज़ की कन्वीनियंसी के हिसाब से। लेकिन ये जो बेस और ट्रिबल है वो स्पेशली दोनों के लिए है, यानी म्यूज़िक में भी बढ़ जाएगा और इसमें वो फिर अलग से इसमें नहीं है। जैसे एक और चीज़ है इसमें कि जैसे आपने कोई एक गाने का एंड हो चुका है और आपको क्लैप ऐड करनी है जैसे, तो यहाँ से इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जैसे चीयर्स की आवाज़ हो गई। मैं आपको ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ ना वो कैरियोके से रिलेटेड ही अभी दिखा रहा हूँ, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन फिर क्या कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अभी जैसे मैं एक गाना आपको थोड़ा सा बजा के बता देता हूँ कैसा है। जब कोई बात बढ़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, साथ मेरा वो हम नवा।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। जैसे आपका कोई भी स्पीकर हो गया, जैसे ये स्पीकर है, और आपको कभी ऐसा भी हो कि आपको दो स्पीकर लगाने हैं, तो ये जो हेडफोन वाला जो है, जैसे यहाँ पे आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे जो हेडफोन है इसमें आप एक और माइक स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो, ये कंडेंसर माइक के लिए। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगे और एक वीडियो में बताऊँगा। ये आपका चार्जिंग पॉइंट हो गया, और आप लैपटॉप से भी इससे कनेक्ट कर पाओगे। ये लाइव मोड है वो दोनों, और ये जो पॉइंट है ये ऐसा कि अगर आपके कोई डिवाइस हो गया, आपका टीवी हो गया, और आपको समझो कि यही चीज़ उसमें यूज़ करनी है, तो ये वाली जो पिन है, जैसे यहाँ आपने इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक में आपने रख दी, और आपका जो टीवी का जैसे पॉइंट हो गया ऑक्स का, इसमें आपने ये डाल दी, तो आपका टीवी का जो वॉल्यूम है, जो कैरियोके का या आपके यूट्यूब का, वो इसके थ्रू इसमें आ जाएगा। तो आप टीवी या कोई और डिवाइस जिसमें ब्लूटूथ नहीं है उसके थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आज का मैंने ये थोड़ा सा एक वीडियो बनाया है। ये डिवाइस के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है और लाइव जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कैसे इसका यूज़ हो सकता, वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।